अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के अमरपुर में हूं और आज जो है यहां के भाजपा के प्रत्याशी और पूर्व प्रत्याशी भाजपा नेता डॉक्टर मृणाल शेखर के द्वारा जो है आज जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है। हमारे साथ भाजपा के पूर्व प्रत्याशी मृणाल शेखर हैं और आज जो है यहां पर एक बैठक आयोजित की गई है, उसके साथ जो है आज मार्च भी निकाला गया है। सर, क्या कार्यक्रम का आयोजन किया? देखिए, आज अमरपुर विधानसभा में विजय संकल्प यात्रा भी निकल रही है और ये यात्रा है विजय के संकल्प के लिए। जो आने वाले समय में चुनाव होने हैं बिहार विधानसभा के, तो अमरपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने आज एक मार्च निकलकर पहले ही ये संकल्प लिया है कि हर हाल में इस बार एनडीए की बड़ी जीत होगी अमरपुर विधानसभा से और कमल खिलना है। इसको लेकर आज हजारों कार्यकर्ताओं ने पालन करते हुए आज एक यात्रा निकाली है और जो 5 वर्षों की जो तपस्या है, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं लोग, उसके परिणाम स्वरूप आज यहाँ के पार्टी स्तर के बूथ स्तर के कार्यकर्ता सप्तऋषि आज वो उतरकर सड़कों पर उतरकर वो लोगों को संदेश दे रहे हैं कि हम तैयार हैं पूरी ताकत के साथ और पूरी तन्मयता के साथ। हर हाल में कमल खिलेगा और पूरे बिहार में रिकॉर्ड हो बनेगा। इस बार एनडीए की बहुत बड़ी जीत होगी और इस जीत की गूंज बिहार और दिल्ली तक सुनाई पड़ेगी। ये आगाज सर ऐसा है तो अंजाम क्या होगा? इसकी गूंज मैंने बताया ना, अंजाम ऐसा होगा जिसकी गूंज सिर्फ बिहार नहीं, दिल्ली तक और पूरे देश में सुनाई पड़ने वाली है। सर, क्षेत्र में काफी आप जो है हार के बाद भी सक्रिय रहे हैं 5 साल और आखिरकार अब जो है फिर से आपकी बारी आई है। देखिए, हार और जीत लगी रहती है इस बार 5 वर्षों तक, इसलिए मैंने संकल्पित भाव से अभी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल कर मैं पिछले 1.5 महीने से गांव-गांव घूम रहा था। वैसे घूमता तो मैं पूरे 5 वर्षों, लेकिन 1.5 महीने लगातार पुनः लोगों के बीच रहा, लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, युवाओं का पूरा साथ है। आप देख सकते हैं क्या जोश है, हाई है, यहाँ के युवाओं का जोश बिल्कुल हाई है और इस हाई जोश के सहारे इस बार हम नई इबादत लिखने जा रहे हैं। अमरपुर की तस्वीर और तकदीर स्वर्णिम होने वाली है और उसकी गूंज हमारे जो अपने लोग हैं उनका हौसला बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ लोग खड़े हैं और उसके साथ साथ पूरे बिहार में इसकी गूंज सुनाई पड़ने वाली है। विपक्ष का कहना है कि मृणाल शेखर युवाओं के चहेते हैं, ऐसा नहीं है। युवाओं, चूंकि मैं युवा हूं तो नेचुरली है, बट नेचुरल है कि युवाओं का भरपूर स्नेह और साथ रहता है, लेकिन हमारे साथ हर बिरादरी के लोग, हर तबके के लोग, हर उम्र के लोग, माताएं, बहनें, बेटियां, हमारी माताएं, सबका स्नेह और आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। इसलिए इस बार अमरपुर विधानसभा नई इबारत लिखने जा रहे हैं। ये आगाज की यात्रा तो लग रही है ऐसी कि ये जीत की यात्रा है। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए होता है। हमारे साथ भाजपा के पूर्व प्रत्याशी अमरपुर विधानसभा से थे जो कि आज जो है जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मृणाल शेखर के पीछे उनके जो है समर्थक, उनके चाहने वाले जो हैं वो काफ़ी भीड़ से साथ में हैं, उनके साथ लगे हुए हैं। और ये जो आज विधानसभा क्षेत्र से, अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर मृणाल शेखर के द्वारा, हालांकि अभी जो है चुनाव तारीख की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव की उम्मीदवारी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है।